केमिकल आपा तकरीबन सारे नूं पता लग गया भी इसका साइड इफेक्ट क्या आया। हस्पताल सारे भरे पे अपने 5 साल तही 10 साल तही 20 साल तही टोटल पूरे इधर ही आना पैना है क्योंकि खुराक के बिना कुछ है नहीं। बंदे का जब शरीर तंदुरुस्त आ तो सारा कुछ आ, बाकी तो चीज़ें बाद की बीच आ। अपने पहले जितना बुजुर्ग थे कोई भी बीमार नहीं था अपना, ना कोई यहाँ हस्पताल था ना कोई और। अज देख ले पूरा भरया पाया माहौल, कारण सारी खुराक आहार विहार ते विचार। जब बंदे के सारे शुद्ध हो गए बिल्कुल तंदुरुस्त आ, अज ना आहार रहा विहार तो बाद की बात माँ, ना किसी ने पता भी खाना क्या आया खाना किस तरह आ खाना क्या आया कुछ नहीं पता लग रहा। तो अपने खाना तो ही तो आप तकरीबन शुरू से आयुर्वेद का शौक आ। अच्छा थानू? हाँ जी, मेरे बापू जी की उम्र तकरीबन कोई 98 साल की हुई है। अच्छा। हाँ, वो 2 साल हो गए चढ़ाई कर गए। और 98 साल के बीच बिल्कुल घोड़े की तरह चला दे, कोई हड्ड कोई गोडा कोई दंद। हालांकि 90 के उम्र के बीच उनके दंद आ गए थे दोबारा फिर। अच्छा। 4-4 5-5 गन्ने इकट्ठे छूप लेंदे हो। क्या बात है। तो उन्हों मतलब इस तरह नहीं है भी वो कुदरती ते भी है, उन्होंने यो शौकता रखने का। अपन बहुत कहते रहा थे साबण नहीं लानी हड्डियों के बीच जम जाएगी, कास्टिक सोडा अंदर चला जाएगा। इस तरह अजकल रोटी खाने का नहीं पता किसी को, दाल सब्जी रोटी गर्म पानी फ्रिज का तत्ता ठंडा होया दंद टुट गए। ये भी कुदरत का तो कोई वो नहीं है इसमें। तो इस तरह करके अपन वो हौली हौली जिस तरह सिरके का प्रोग्राम था आप मंगी जहाँ दे भी लिया पहना रिश्तेदार पता लिया मत अपन शौक तो रखने का। वह फिर कहीं कहन लगे बच्चे यार आप बना इसनों, तो फिर अपने कुदरती तौर पर जिस तरह जो अज तो 50-60 साल पहना बना था मट्टा के बीच मिट्टी के। हालांकि वो बिजनेस का कोई और नहीं है इसके बीच, जो बिजनेस वाले बंदे हैं वो भी अपने भाव वो भी कहाँ भी यार इतना तो ठीक नहीं है वो भी, तो इसनों इसके ढोलों के बीच बना ढोलों के बीच जिन्ना रस पावे उन्हें निकड़ा बगा। पर जिस टाइम इसनों क्रिया करनी ना जी प्लास्टिक विच मिक्स हो जानी है। सही गल ठीक है ना। और मट्टा के बीच इसके बीच जो न्यूट्रिशन वैल्यू आ और दुगनी हो जानी है। इसनों हम प्लास्टिक नहीं टच करते हैं। मट्टा के बर्तन के बीच बनागा और कच्च की बोतल के बीच पाना है। तकरीबन 2 साल बाद बोतल के बीच ऐड हुआ जाएगा। अच्छा। 1 साल तो गन्ना हो गया, गन्ने के उसमें खड़ा होया। 1 साल जिस टाइम रस कट का फिर अपना प्रोसेस के बीच 1 साल यहाँ रहा है तौड़े च। उसके बाद फिर अपन फिल्टर करके नीचा बैठ जाएगा व फिर अपन बोतलों के बीच पैक कराया। और आप इसनों वैसे भी भूल गए कि एक खुराक थी अपनी पुरानी। अज लोगों की जो जठनी अगन है ना और डाउन होगी, हाजम क्रिया ख़त्म होगी, उसके विच जितनी भी बीमारियां कारण वो आ कच्चा भोजन अध पचया गैस बनानी आंतड़ियां इन्फेक्शन हो जानी। उसके कारण फिर अग्गा केमिकल के कारण आप बीमार हो रहे। अग्गा जिस टाइम डॉक्टर में जाओ फिर अग्गा केमिकल देंगे अपन। सही गल है ठीक है ना। तो इस करके अपन इधर आना पैना। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਬਹੁਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਟਾਪਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 5 ml ਪਾਣੀ ਮਾ ਕੋਸ਼ਿਆਂ ਪਾਣੀ ਮਾ ਪੀ ਲਿਓ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟਾਪਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਕਾਰ ਆਏ ਕਰਾਤੀ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।